Good morning, my dear students. I welcome to your digital platform from Benito's Public Senior Secondary School, Barmer. Today, I am going to teach you a new topic, determiners. What is the meaning of determiners? At first, you must know about it. Determiner का मतलब होता है निर्धारक. इसका क्या मतलब होता है? निर्धारक. निर्धारक का मतलब अगर हिंदी में मैं कहूँ तो निर्धारण करने वाला. किसी चीज को जो है डिटरमाइन करने वाला. इसका अगर एक और मतलब निकालो इसका तो इसका एक और मतलब होता है संज्ञा आगमन जो तक शब्द इस हिंदी सबको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है. डिटरमिनर्स ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन. एक शब्द जो कि संज्ञा से पहले आता है टू शो दिखाने के लिए हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड कि सेंटेंस के अंदर संज्ञा का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है. वो कौन दिखाता है? ये डिटरमाइन वर्ड दिखाता है जो हमेशा नाउन से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं. देखो कोई भी आप एग्जांपल ले लो. मतलब कहने का ये मतलब है कि सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे डिटरमिनर्स होते हैं. और वो क्या बताते हैं? कि नाउन का यूज सेंटेंस में किस तरीके से हो रहा है, नाउन का यूज किस तरीके से हो रहा है. एग्जांपल समझते हैं इसको थोड़ा सा. जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल. तो अपना कॉमन सेंस यूज करो. देखो मैं अकॉर्डिंग टू रेटिफिकेशन नहीं चलूंगा. मैं जैसे पहले मैंने आपको भी कहा था जो हमने चार टॉपिक किए थे किसी भी चीज़ को हम रटे नहीं उसको समझे. तो इसमें अगर मैं चाहता तो डिटरमिनर डेफिनेशन लिखे फोर टाइप्स फाइव टाइप्स जो कि अलग अलग दे रखे हैं वो सारे करवा के उससे एग्जाम्पल करवा के टॉपिक कम्प्लीट कर देता. लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती. आपको एट फर्स्ट ये समझना है कि एक्चुअली डिटरमिनर होता क्या है, उसका सेंटेंस में वर्क क्या होता है. जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको टाइप्स रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि डिटरमिनर्स किस तरीके सेंटेंस में यूज होता है, उसका क्या यूज होता है ना. चलो ये सेंटेंस थोड़ा अच्छे से समझते हैं. यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल. अब देखो यहाँ पर बुक्स नाउन है, ये क्या है? नाउन है. यहाँ पर टेबल ये नाउन है तो बुक्स और टेबल दोनों नाउन है. यहाँ पर इससे पहले जो वर्ड्स आते हैं वो क्या है? बुक्स यहाँ पर नाउन है ये आपको पता है, टेबल भी यहाँ पर नाउन है ये भी आपको पता है. और यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आने वाला वर्ड ये सन और ये द. ठीक है, एग्जैक्ट नाउन से पहले आ रहा है तो ये वर्ड वो क्या दिखाता है? द नाउन इज बीइंग यूज्ड, किस तरीके से नाउन का यूज हो रहा है. अब नाउन हमारे पास है बुक. अब बुक का इस यहाँ पर ये वाला सेंटेंस लेने यहाँ से हमें इस सेंटेंस में बुक का क्या यूज हो रहा है. अब बुक के बारे में क्या बता रहा है ये वर्ड? कुछ ना कुछ बता रहा है, निर्धारण कर रहा है. निर्धारण क्या कर रहा है? कुछ बुक्स है. पुस्तकें कितनी है? कुछ पुस्तकें. अगर ये यहाँ पर कुछ वर्ड नहीं होता तो हमें क्या पता चलता कि कितनी पुस्तकें हैं? बहुत सारी भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. क्वांटिटी में कितनी है वो हमें नहीं पता. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आ गया. ठीक है, अब यहाँ अगर मैं एक और डाल दूँ जैसे ए लॉट ऑफ कर दूँ, ए लॉट ऑफ तो बहुत सारी बुक्स. तो नाउन से पहले की वर्ड अब ये क्या कर रहा है? ये सब वर्ड इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है कि पुस्तकें कितनी, कुछ पुस्तकें. ये वर्ड अपने आप में डिटरमिनर हो गया. ये सब डिटरमिनर हो गया जो निर्धारण कर रहा है संज्ञा का कि संज्ञा की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कि संज्ञा को कैसे निर्धारित करेगा. तो सब कुछ पुस्तकें समझा थोड़ा सा इसको. इस तरीके से अगर यहाँ पे सब नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता. तो ठीक है, देयर आर सम बुक्स तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब इस पूरे सेंटेंस को लेते हैं, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल. अब इस टेबल के आगे द है. अब द जो है किसी भी चीज के आ जाता है तो वह चीज पर्टिकुलर हो जाती है. पढ़ेंगे इसको डिटरमिनर के अंदर आगे.
तो कोई भी वर्ड के आगे अगर द आ जाता है तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द टेबल का मतलब फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्स टेबल है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिक्स टेबल के बारे में बात हो रही है। वो टेबल कौन सी है? फिक्स है, जिस पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है। अब मैं यहां से इसको मैप उठा देता हूं। अब सेंटेंस हमारे सामने, देयर आर सम बुक्स ऑन टेबल। तो हमें नहीं पता कि कुछ पुस्तकें कौन सी टेबल पर है, लेकिन जब यहां पर द का यूज हो गया तो उसने इस द वर्ड ने, इस द डिटरमिनेंट ने क्या कर दिया, इस टेबल को फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया। पहले हमें द नहीं लगा था तो हमें पता नहीं था कौन सी टेबल है, लेकिन जैसे ही द लगा तब पता चल गया किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर वो बुक्स ऊपर रखी हुई है। तो कहने का, माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मेरा ये मतलब है कि नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वह वर्ड सारे के सारे क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो संज्ञा को पूर्ण कर लेते हैं, संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, बताते हैं उसके बारे में, है ना। तो संज्ञा का जो रिलेशन है इस वर्ड्स के साथ वो डिटरमिनेंट से सारे के सारे। ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटरमिनर। संज्ञा किस तरीके से यूज हुई है सेंटेंस के अंदर, क्या ये कुछ पुस्तकों के साथ है या बहुत सारी पुस्तकों के साथ है, जैसे देयर आर ऑल बुक्स, बहुत सारी। तो ये वर्ड जो है डिटरमाइन कर रहे हैं इस नाउन को, तो नाउन को डिटरमाइन करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ये इसका बेसिक नॉलेज है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आगे इसके पार्ट्स टाइप्स वो भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी रटने की, वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डिटरमिनर्स होते हैं, कोई भी डिटरमिनर माइंड से निकल भी जाता है तो माइंड से अब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि नाउन से पहले ही डिटरमिनर आते हैं, ठीक है ना। और उसका यूज क्या होता है, वो डिटरमिनर नाउन का के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहता है ना, नाउन को बताता है किस तरीके से नाउन का यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर। ये इसकी बेसिक थीम थी इस डिटरमिनर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें और भी जैसे दूसरा भी ले सकते हैं, है ना। अब डिटरमिनर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कल अलग अलग आइडियो के अंदर अलग अलग दे रखे हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। जैसे मेन डिटरमिनर जो आर्टिकल होते हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, उसके बाद पजेसिव होते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो माई बुक, माई क्या यहाँ पर, अब दिस इज माई बुक, माई हटा देता हूँ तो दिस इज बुक, यह बुक है, लेकिन बुक के आगे माई आ गया, तो वो बताएगा कि नाउन किस तरीके से यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर। पहले नाउन का कोई यूज नहीं था, बुक थी एक सिर्फ, बुक है एक सिर्फ, फिर यूज क्या हुआ, माई लगती कि मेरी बुक है, तो बुक का सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है नाउन का, वो वर्ड बताएगा माई, तो माई यहाँ पर पजेसिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आर्टिकल्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है, क्वांटिटेटिव्स है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव्स है, कार्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स है, ये सारे अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। पर वो अलग अलग टाइप्स को आप कब समझोगे, जब ये थीम आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट्स लेंगे उसके, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और डिटरमिनेंट को आगे पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।